बाबा रामदेव कोरोना की आयुर्वेदिक दवा बनाने का दावा करते हुए कोरोनिल नाम की मेडिसिन लॉन्च की है। इस मेडिसिन के जरिए कोरोना मरीजों की ठीक होने का दावा भी किया गया है। योग गुरु बाबा रामदेव आज कोविड-19 के इलाज के लिए दिव्य कोरोनिल टैबलेट को लॉन्च कर दिया है। कोरोना की पहली आयुर्वेदिक दवा कोरोनिल के लॉन्चिंग के मौके पर बाबा रामदेव ने दावा किया कि इस दवा का जिन मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल किया गया उनमें 69% मरीज केवल 3 दिन में पॉजिटिव से निगेटिव और 7 दिन के अंदर 100% रोगी कोरोना से मुक्त हो गए हैं। दवा का प्रयोग 280 लोगों पर किया गया। रामदेव ने कहा कि हमारी दवाई का 100% रिकवरी रेट है और 0% डेथ रेट है। भले ही लोग अभी हमसे इस दावे पर प्रश्न करें, हमारे पास हर सवाल का जवाब है। हमने सभी वैज्ञानिक नियमों का पालन किया है। बता दें, पतंजलि आयुर्वेद की औषधि दिव्य कोरोनिल टैबलेट का कोविड-19 मरीजों पर क्लिनिकल ट्रायल के लिए परिणामों की घोषणा आज पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने की। इस मौके पर बाबा रामदेव ने कहा कि पूरा देश जिस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था कहीं से इसकी दवा मिल जाए। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद की पहली दवा पतंजलि ने बना ली है जो क्लिनिकल कंट्रोल्ड ट्रायल के बाद आज लॉन्च होने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज़।